जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर रिक्रूटमेंट होने वाला है, अलग अलग तीन कैटेगरी पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024। दोस्तों आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा और कहाँ पर सेंड करना होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वीडियो हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसफर भी रखा है। जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसी भाषा से पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी कंफर्टेबल तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या पोस्ट है। देखिए पहले पोस्ट है, पोस्ट का नाम पे स्केल जैसे देख सकते हैं, पोस्ट का नाम पे स्केल, कास्ट वाइज वैकेंसी, आपका आयु और क्वालिफिकेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहला पोस्ट क्या है दोस्तों, माइनिंग मेट कैटेगरी सी, ठीक है। पे स्केल कितने मिलेगा, 29,190 रुपये से लेकर 45,480 रुपये का पे स्केल आप लोगों को मिलेगा। टोटल 64 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 64 पोस्ट है जिसमें एससी के लिए। दोस्तों मैं इंग्लिश वाला पार्ट से बताऊंगा, संस्कृत में लिखा हुआ, हिंदी मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एससी के लिए 9 पोस्ट, एसटी के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट और यूआर के लिए 21 पोस्ट। एज लिमिट मैक्सिमम 30 नवंबर 2024 के अनुसार 35,000 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप हिंदी वाला पार्ट से भी पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंग्लिश वाला पार्ट से बता देता हूँ, ठीक है। आपको 12 पास होना चाहिए इंटरमीडिएट विद, साथ में आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट। और किसके द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, DGMS अंडर MMR 1961 के तहत होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, किसमें, माइनिंग मेट इन अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड मेटल माइन। और ये एक्सपीरियंस आपको, ये जो माइनिंग मेट का ये जो सर्टिफिकेट है, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट पाने के बाद में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे पहले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मिल चुका है पहले। सेकंड पोस्ट दोस्तों ब्लास्टर बी, यहाँ से देख सकते हो ब्लास्टर बी, सैलरी मिलेगा आप लोगों को 28,790 रुपये से लेकर 44,850 रुपीज़ का पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल कितना पोस्ट है, 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट पे से एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यूआर के लिए 3 पोस्ट है। और इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, 32 ईयर 32 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। दोस्तों एज लिमिटेशन मिलेगा, नीचे एज लिमिटेशन वाला पार्ट है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके हिंदी वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक, इस पोस्ट के लिए दोस्तों मैट्रिक होना चाहिए, 10 पास होने से ही होगा, विद अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लास्टर सर्टिफिकेट, सेम कैटेगरी। और यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहाँ पर, एक्सपीरियंस इन ब्लास्टर इन ए अंडरग्राउंड मेटल माइन, और ये सर्टिफिकेट पाने के बाद सेम। दोस्तों यहाँ पर अगला पोस्ट, वाइंडिंग इंजन ड्राइव बी कैटेगरी, 28,790 रुपये से लेकर 44,850 रुपीज़ आप लोगों को पे स्केल मिलेगा। टोटल 10 पोस्ट है जिसमें एसटी के लिए 3, ओबीसी एनसीएल के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, यूआर के लिए 2। तो यहाँ पर भी 32 ईयर, आप ऐसे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं हिंदी में, चाहे तो इंग्लिश में भी ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिक होना चाहिए और साथ में फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट का क्वालिटी क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, याद रखिएगा, सेकंड क्लास थर्ड क्लास होने से नहीं होगा, फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशूड बाई DGMS। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पाने के बाद आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पर, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर इन मेटल माइंस पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल मिल चुका है। और आप लोगों को अभी क्या चाहिए, ये वाला जो पार्ट है आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, इसमें भी ये PWD कैटेगरी को किस किस कैटेगरी का PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग दिया हुआ देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद चले जाते हैं एज रिलैक्सेशन में। दोस्तों ये सब देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, किस कास्ट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी है आप लोगों के लिए वेतन क्रम, तो आप लोगों को मिल चुका है, एज लिमिट एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, क्वालिफिकेशन मिल चुका है, अभी है चयन प्रक्रिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन पहले आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग करेगा, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपीरियंस के बेसिस का। देखिए ये जो सी नंबर ऑप्शन है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट अथवा ट्रेड टेस्ट अथवा पर्सनल इंटरव्यू। कुछ भी हो सकता है, वो आदमी आप लोगों को बाद में ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर की फ़ोन के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको टेस्ट देना है या फिर ट्रेड टेस्ट देना है या फिर आपको इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट करेगा, यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया है, ठीक है।
नहीं तो मैं आप लोग को बता देता, ठीक है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग 7 नंबर ऊपर में हिंदी में भी दिया हुआ, आप लोग अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, चयन प्रक्रिया आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी चले जाते नीचे, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है, जनरल इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ऊपर में हिंदी वाला पार्ट है, यहाँ पर इंग्लिश वाला पार्ट है। जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी रहते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सबमिशन का जो लास्ट डेट है आप यहाँ से देख सकते हैं, 31 नवंबर 2024। ऑफलाइन सेंड करना होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑफलाइन आइए दोस्तों, फॉर्म कैसे भरना है दिखा देते हैं। देखिए, ओनली इंडियन नेशनल, एज अबव 18 ईयर, मिनिमम आपका आयु 18 साल होना चाहिए 30 नवंबर 2024 के अनुसार, और मैक्सिमम जनरल लीवर कैटेगरी के लिए 35 ईयर। एज रिलेक्शन तो आप देख ही चुके हैं, इसलिए जानकारी यहाँ पर रहते हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा बताना चाहूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जितना ज़रूरी है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है, www.uraniumcorp.in, ये है एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, ये उस वेबसाइट में जाने से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, आप लोग चाहे प्रिंट आउट करके निकल सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कैसे भेजना होगा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर ₹500 एप्लीकेशन फ़ी देना होगा एज ए डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट। अगर आप SC ST PWD महिला कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर कटना है, यूरेनियम, देखिए डबल सिंगल कोटेशन में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोटेशन क्लोज, और पेएबल एट की जगह में आपको लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोधुगुड़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट कैसे करना है नहीं करना है आप लोगों को मिल गया। डिमांड ड्राफ्ट किस बैंक में भरते हैं, बैंक का ब्रांच का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट का डेट वगैरह सब कुछ लिख लीजिएगा। जब आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप लोग को ये देना होगा, कहाँ पर भेजना होगा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, या पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आप लोग को ये भेजना है, गिवन द डिप्टी जनरल मैनेजर, द पोस्टल एड्रेस गिवन बिलो ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2024 के बीपर आप लोगों को भेजना है, ये है पोस्टल एड्रेस। आप लोग खुद से पढ़ के, डिप्टी जनरल मैनेजर पर्सनल एंड IRS यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, PO जोधुगुड़ा माइंस डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम ईस्ट झारखंड 832102। इस एड्रेस पर आप लोगों को 30 नवंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर कैंडिडेट शुड सुपरस्क्राइब, जब आप जिस खाम के अंदर आप लोग डालेंगे ये सब एप्लीकेशन फॉर्म, आपका टेस्टिमोनियल जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जेरोक्स करके, उसके खाम के ऊपर आपको लिखना होगा नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो 3 पोस्ट है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर किया था 08/2024, ऊपर में आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन की शुरुआत में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट भी आप लोग को मिल चुका है। अभी चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे। देखिए पासपोर्ट साइज कलर 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो चेहरा मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए रिसेंट फोटो होने से और भी अच्छा है, रिटर्न फोटो दे दीजिएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द फर्निश द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ नहीं बताएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बताया गया है दोस्तों। फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखना है नेम, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपका जैसे नॉर्मली लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, पिताजी या फिर आपका हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर आपके पिताजी है तो श्री लिखिएगा आगे पिताजी के नाम के आगे, अगर नहीं है तो LT लिखिएगा। उसके बाद कैटेगरी UR EWS OBC NCL ST जो भी है आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। असिस्टेंट कॉपी सर, अगर जिस कास्ट आप बोलेंगे उस कास्ट की अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दे देना होगा। परमानेंट एड्रेस, जो आपकी आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आप दे दीजिएगा, आपका परमानेंट एड्रेस या फिर आपका स्कूल सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है, ठीक है। और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मेलिंग एड्रेस, ऐसा नहीं होता है कि मेरी घर यहाँ पर है, मैं काम के सिलसिले में या फिर मामा के घर चाचा के घर में रहता हूँ दूसरी जगह में, अगर मेरे कुछ भी डिटेल्स आए पोस्ट ऑफिस के जरिए तो उस डिटेल्स पर आए तो आप लोग वो डिटेल्स दे सकते हैं, यानी आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप लोग बेलिटी दीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो आपको फ़ोन करेगा, और ईमेल में तो बेलिटी देना ही होगा क्योंकि आपको ईमेल में ही बोलेगा एग्जाम होगा क्या होगा नहीं होगा, बाद में आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। 9 नंबर पे दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th onward अटैच द सेल्फ अटेस्टेड, आप ऐसे देख सकते हैं एग्जामिनेशन पास आपने क्या पास किया है, 10th pass 12th pass ग्रेजुएशन जो भी है लिखना है। उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज, किस स्कूल का नाम किया है, कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। ईयर कब आपने किया है, यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड, बोर्ड हो तो आपका स्टेट का जो बोर्ड है 10th का 12th का बोर्ड का नाम, अगर BA पास है तो ग्रेजुएशन है तो आपका यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर। उसके बाद डिवीजन और परसेंटेज, कितना डिवीजन मिला है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास या फिर फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन थर्ड डिवीजन, और परसेंटेज क्या मिला है देना है, ठीक है। सब्जेक्ट कितना था, टोटल सब्जेक्ट आप लोगों को देना है, 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। 10 नंबर पे दोस्तों ऑप्शन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन,
एटस अगर प्रोफेशनल एग्जाम पास्ट के, अगर अपने प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है अपने ऊपर, माइनिंग मेड वगैरह प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, जो माइनिंग मेड सर्टिफिकेट जो आपसे मांगा गया है, ठीक है, देखा है ना आपने माइनिंग मेड सर्टिफिकेट जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसकी रिलेटेड, कहाँ से कौन सा एग्जाम पास किया है लिखना है, स्कूल कॉलेज ईयर जो भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस, दोस्तों जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से लिया है, ठीक है, ड्राइवर वाला पोस्ट के लिए ड्राइविंग का और बाकी दोनों के लिए दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद डिजिग्नेशन, किस पद में आप नौकरी कर रहे थे, फ्रॉम एंड टू, कहाँ से लेके कब से लेके कब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है। नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार का ड्यूटी आप वहाँ पे करते थे। और लास्ट सैलरी ड्रॉ, अब जब लास्ट सैलरी आप लोग कितना रुपया वहाँ से लेते थे, तनख्वाह आपको कितना मिलता था, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 12 नंबर पर दोस्तों लैंग्वेज नोन, नोटिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है, कितना लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पर आपको लिखना है, हाँ मुझे इतना लैंग्वेज आता है, ठीक है, आप लोग देना है लैंग्वेज नोन, इतना लैंग्वेज आपको आता है, क्या क्या आता है आप लोग लिख दीजिएगा, जितना लैंग्वेज आता है, एक होने से एक, हिंदी होने से हिंदी, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी मातृभाषा जो भी आपका आता है लिख दीजिएगा। रेफरेंस, नॉन रिलेटिव्स विद फुल एड्रेस, यहाँ पर आपको फुल एड्रेस आप लोगों को देना है, ठीक है, दो एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पर। हेयर बाय नोटिफिकेशन, यहाँ पर तो हाई डिक्लेयर, ये आपका डिक्लेरेशन है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ऊपर में नीचे आपका नाम लिख दीजिएगा, ऊपर में सिग्नेचर नीचे आपका नाम फिर से लिख सकते हैं आप, ठीक है, और सिग्नेचर और नाम दोनों एक सेम सेम है तो सेम सेम आप लोग लिखिएगा, दोनों पे लिखिएगा। यहाँ पर डेट, ऊपर में यहाँ पर डेट लिखना है, कब आपने अप्लाई किया और कहाँ से आपने अप्लाई किया प्लेस, ठीक है। उम्मीद इतना ही है नोटिफिकेशन, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, छोटी यूट्यूबर हो आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूरी है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।